हरे कृष्णा। तो मैं आज भुवनेश्वर में हूँ। भुवनेश्वर बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है शिव जी के कारण, और शिव जी का ही एक नाम है भुवन के ईश्वर होने के कारण उनको भुवनेश्वर कहा जाता है, और पार्वती को भुवनेश्वरी नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ एक विशालतम मंदिर है जिसको लिंगराज महादेव कहा जाता है। सारे लिंगों में जो राजा है ये लिंगराज के नाम से प्रसिद्ध है, और ये भुवनेश्वर वो स्थली है जहाँ लाखों या करोड़ों शिवलिंग इस स्थान में पाए जाते हैं। उनकी दिव्य महिमा पुराणों में और अन्य अलग अलग शास्त्रों में महानतम साधुओं ने और ऋषियों ने वर्णित की है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब काशीराज जब वाराणसी काशी के राजा थे और उन्होंने कृष्ण पर आक्रमण किया था, जब भगवान कृष्ण द्वारका में निवास करते थे, तो शिवजी के वो महानतम भक्त थे। काशीराज ने कहा कि हे शिवजी, आप भी चलिए मेरे साथ, मैं कृष्ण के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। तो काशीराज भी उनके साथ निकल पड़े, और काशीराज जैसे आए कृष्ण के सामने युद्ध हुआ, बल्कि काशीराज जब काशी से निकले तो उन्होंने अपने सारे प्रजाजनों को कहा था कि मैं शिवजी का कृष्ण का वध करूंगा, उनकी गर्दन को काटकर काशी में फेंकवा दूंगा, आप सब जाकर उसको देखें। लेकिन उसके विपरीत ही घटना हुई। युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन के द्वारा काशीराज का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया और वो काशी में गिरा दिया। सारे प्रजाजन इकट्ठा हो गए, आगे देखा तो उनके राजा का ही वो सर था, और उसके पश्चात शिवजी भी कृष्ण के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तो सुदर्शन भगवान का जो सुदर्शन चक्र है काशीराज का वध करने के पश्चात उनके पीछे लगा शिवजी के, और शिवजी त्रिभुवन में भ्रमण करने लगे, और फाइनली कोई उनको बचा नहीं पाया। शिवजी आकर भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान उनको कहते हैं कि शिवजी क्या हो गया आपको, आप मेरे विरोध में मेरे विपरीत होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए हो। तो शिवजी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने निकट चरणों के निकट निवास प्रदान कीजिए, ताकि ऐसी जो गलती है मुझसे फिर से नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा जो नीलाचल धाम है उसी के निकट ही तुम निवास करो, जो एकाम्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और वो काशी से भी महानतम है। तो शिवजी यहाँ विराजमान हो जाते हैं, और जगन्नाथपुरी जो धाम है कृष्ण का, उसका ये गेटवे भुवनेश्वर को माना जाता है। जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के पूर्व व्यक्ति को भुवनेश्वर आकर शिवजी का दर्शन करते हुए यहाँ से आगे धाम में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा ये विशेष शिवजी का स्थल है, जो शिवजी भगवान कृष्ण की जगन्नाथपुरी धाम की सेवा करने के लिए यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब यहाँ आए थे भुवनेश्वर में, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन में उतरते ही प्रणाम किया और कहा कि ये शिवजी की अनुकंपा से ही व्यक्ति धाम में प्रवेश कर सकता है और जगन्नाथ की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये परम सौभाग्य है, आज हमने लिंगराज महादेव का दर्शन किया। विशालतम मंदिर है, लगभग 1500 या 2000 साल पुराना मंदिर है, और उसकी विशेषता यह है कि शिवजी नहीं बल्कि वह हरि और हर दोनों एक साथ निवास करते हैं। इसलिए बाकी सभी मंदिरों में आप जाते हो तो वहाँ गरुड़ स्तंभ आपको प्राप्त होगा विष्णु मंदिर में, जिसके ऊपर गरुड़ होते हैं स्तंभ के ऊपर। लेकिन जब आप लिंगराज महादेव मंदिर में आते हो तो यहाँ उसके ऊपर नंदी भी है और गरुड़ जी भी है। तो ऐसा ये विशेष सुंदर दिवालय है। आप जब भी भुवनेश्वर आते हो तो निश्चित रूप से जरूर लिंगराज महादेव का दर्शन कीजिए। और भी कई सारी उनसे संबंधित कथाएं हैं जिनको हम आगे वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।